आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत एक ब्रेव मूवी बनाई शाहिद नाम की। तो हमारे साथ डायरेक्टर हंसल मेहता हैं। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे बीच आए, कैंपस में लोगों के साथ इंटरेक्ट किया आपने, बहुत एक अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपने कैसे चीज़ों को देखा, कैसे एक्सपीरियंस किया, कैसे एक फिल्म डायरेक्टर बने। तो अपने बारे में कुछ बताइए सर हमें। अपने बारे में क्या बताऊँ मैं, तो मतलब अब आपकी मतलब कुछ बताने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। हम जैसे मैं आम आदमी और फिल्म्स बनाने में मेरा मतलब मेरी रुचि है फिल्म बनाने में, फिल्म मेरी हॉबी है और वो हॉबी मेरा पेशा भी है। सर आपकी एक बहुत अच्छी करियर थी आईटी इंडस्ट्री में, फिर आपने उसे छोड़ दिया, काफ़ी ब्रेव स्टेप था क्योंकि अक्सर हम लोग अपने सोसाइटी की चीज़ों से घिरे रहते हैं, क्योंकि जब हम आते हैं उन चीज़ों के साथ मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं या तो सोशल चीज़ें हमारे अटैच रहती हैं, तो हम लोगों के लिए, हम सब सारे लोगों के लिए अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना या अपनी जो हमारा इंटरेस्ट है उसको परस्यू करना और एक जो कन्वेंशनल तरीका उसको छोड़ देना बहुत ब्रेव स्टेप होता है। तो आपने किया तो क्या, कैसे आपने इन चीज़ों को मतलब डिसीजन लिया? मैंने सोचा उस वक्त, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने उस वक्त इसलिए किया था क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था जो मैं कर रहा था, उसे फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे लग रहा था कि इसको कोई आगे रास्ता नहीं दिख रहा था और शायद अगर रास्ता दिख जाता तो मैं नहीं करता। लेकिन अब मैं मतलब अब सोचता हूँ जब अच्छा मैंने सही किया, गलत किया, क्यों किया, कैसे किया, आज भी मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों किया। वो उस वक्त हो गया अनायास, जो होता है ना कि एक मोमेंटरी आपका इम्पल्स होता है कि मैं यही करना चाहता हूँ, मुझे ये करना है, कर लेता हूँ, मैं छलांग मार। अब क्या होता है कभी कभी किस्मत भी साथ देती है, जब आप छलांग मारते हो ना तब किस्मत साथ देने लगती है। ये ब्रेव नहीं होता है, मेरा मानना है कि अगर आप रिस्क लेते हो ना, रिस्क लेने वालों को ही किस्मत साथ देती है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग आधे से ज़्यादा लोग रिस्क लेते ही नहीं हैं, तो सोचते हैं कि ये रिस्क लूँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक कहावत है कि यू विल ऑलवेज एक्सपीरियंस व्हाट यू फियर द मोस्ट, फियर इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। शाहिद मूवी बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हुई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उस मूवी को बनाने, क्योंकि होता क्या है कि मतलब प्रोसेस पूरी मूवी बनी तो कहीं ना कहीं आपका एक पर्सनल अटैचमेंट भी हो गया था। तो उस मूवी, क्योंकि ये मूवी शाहिद जो एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है होल थ्रू द उनकी लाइफ, तो आपको उस मूवी बनाने में क्या क्या डिफिकल्टीज आई? फिल्म बनाने में ऐसी कोई दिक्कत, बड़ी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं खुशकिस्मत था कि उसकी फैमिली, शाहिद की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहानी में जो रिसर्च था हमारा, उस रिसर्च में उनकी बहुत मदद रही जिससे मैं शाहिद को जान सका। ये शाहिद को मैं कभी मिला नहीं था, तो उसकी मौत के बाद मैंने स्टोरी पे काम शुरू किया। तो उसकी फैमिली ने मदद की, उसके दोस्तों ने, उसके कलीग्स ने, उसके क्लाइंट्स ने, उन सब ने मतलब मुझे बहुत सारे इनपुट्स दिए थे जिससे शाहिद की छवि बनने लगी। लेकिन मुश्किलात ये थी कि भाई मुझे जिस तरीके से फिल्म बनानी थी वो बनाने में मुझे इतनी मदद नहीं मिल रही, वो उतना आसान नहीं था। तो वो उन दिक्कतों को पार करने में और वक्त लगा कि जैसे फंड्स रेज करना, फिल्म को स्टार्स के बिना बनाना, और फिर एक डिसाइड किया था कि हम एक्चुअल लोकेशन में करेंगे, वो छोटे लोकेशन में शूट करना, उनमें लाइट्स ना होना, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ऑप्टिमम तरीके से, वो सारी चीज़ें जो थी वो मैं उनको दिक्कत नहीं कहूँगा, चैलेंजेस थे। सर आप अनुराग कश्यप साहब, तिग्मांशु धुलिया या विशाल, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है, ये कमर्शलाइज मूवी बहुत कम बनाते हैं जनरली, मतलब एक तो आपने आपके ब्लॉग में एक चीज़ हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट, सोशली इनेक्ट एंड लार्जली सिनिकल। तो बहुत मरतबा एक आर्टिस्ट, एक फिल्म मेकर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है सोसाइटी को लेकर, सिस्टम को लेकर, तो क्या आप ये शब्द इस चीज़ को दर्शाता है क्या?
कि मतलब कहीं आप सोसाइटी से आप ऊब हाँ सोसाइटी से ऊब नहीं गया हूँ, सोसाइटी से मैं निराश हूँ, मैं निराश हूँ हमारे पूरी व्यवस्था से निराश हूँ, क्योंकि मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये देखते हुए कि हमारे साथ क्या हो रहा है दिन ब दिन ये देश और भी कूड़े में जा रहा है, बेसिक वैल्यूज़ हमारी ख़त्म हो रही है, वो देखकर मैं वैसे भी परेशान हूँ। उसको लेकर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिनिसिज्म से एक्चुअली लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सिनिसिज्म का मतलब है मौत, हर क्रिएशन की मौत, आइडिया की मौत सिनिसिज्म के थ्रू, तो मैं सिनिसिज्म से लड़ रहा हूँ। होता है कभी कभी एक मोमेंट आता है जहाँ आप सिनिकल हो जाते हैं, तो वैसे ही है, तो सिनिसिज्म से लड़ना बहुत ज़रूरी है। वो एक्चुअली जो मैंने लिखा है लार्जली सिनिकल, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो लार्जली सिनिकल ना रहूँ। सर हमारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है बट इतना है कि मतलब हम लोग प्रमोट कर रहे हैं एज इंजीनियर ड्रामेटिक्स को, फिल्म मेकिंग को, आप क्या अहमियत मानते हैं इसकी, मतलब ड्रामा थिएटर लिटरेचर आर्ट इन चीज़ों में क्या कनेक्शन है और क्यों हमारी इसकी अहमियत है? बहुत अहमियत है क्योंकि मैं मानता हूँ कि एजुकेशन इज़ अबाउट इमेजिनेशन, तो आपका जब तक इमेजिनेशन डेवलप नहीं होगा आप जो सीख रहे हो जो काम कर रहे हो उसमें आप क्या काम करोगे, आप डे टू डे जाओगे पन्ने भरोगे क्या, सीट गर्म करोगे? अगर आपको उसमें इनोवेट करना है कि आप इनोवेटर्स हैं, इंजीनियर्स जो हैं वो इनोवेटर्स हैं, वो नई चीज़ें लाने में उनका हाथ रहता है, तो वो उसके लिए आपको इमेजिनेशन की ज़रूरत है। ये आर्ट से होता है, आर्ट कल्चर ये सारी चीज़ें आपकी इमेजिनेशन को डेवलप करती है, आपको एक खुला जो खुली सोच होती है ना उसकी ओर ले जाती है, तो वो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जितनी अहमियत आपके पेपर्स को क्विज़ को देते हो उतनी अहमियत कल्चर को दें, क्योंकि वो कल्चर ही आपको आपकी सोच खोलेगा। आप जब यहाँ 4 साल की डिग्री के बाद जब बाहर निकलोगे तब आपका इमेजिनेशन आपके डिग्री से ज़्यादा काम आएगा। सर आप सिनेमा को, क्योंकि एक्चुअली हमें कहा जाता है मतलब सिनेमा इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, या कभी कभी ये सिनेमा हमें अपने दुख दर्द जैसे हम कभी फंसे हैं तो एक फेरी लैंड में ले जाता है कि हाँ ऐसा नहीं होता है, सुख देने के लिए बहुत सारे सिनेमा है, तो आप इंडियन सिनेमा को आगे कहाँ पर देखते हैं? मैं मतलब इंडियन सिनेमा का वो नहीं हूँ, रखवाला नहीं हूँ, मैं मानता हूँ हर तरह की फिल्म बननी चाहिए, कहानियाँ होनी चाहिए, कहानियाँ नहीं हो कहो तो जैसी भी हो, चाहे चेन्नई एक्सप्रेस हो, चाहे बेशरम हो, चाहे शाहिद हो, चाहे गैंग ऑफ वासेपुर, अलग अलग कहानियाँ कहनी ज़रूरी है, उन कहानियों में ऑडियंस का मज़ा लेना ज़रूरी है। ये कल्चर क्या है, कल्चर मतलब कोई ओपन थिंकिंग, ओपन माइंड, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, हर तरह की कहानी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करें, वो कहीं पर एक आपके स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करें, कहीं पर आपके अंदर के एक शैतान को रिफ्लेक्ट करती है, कहीं पर आपके अंदर का एक विदूषक है उसको रिप्रेजेंट करती है, आपके अंदर एक फैंटेसी होती है दिल की उसको रिप्रेजेंट करती है, बहुत सारी चीज़ जो आप नहीं करती है वो सिनेमा आपको करके दिखाती है। सर आप हम लोगों को एक मैसेज, आईटी आए आईटी के स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहते हैं? बस मैंने कल रात को भी कहा था ये कि विल जस्ट फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनो और दिमाग अपने आप काम कर रहा है। ठीक, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपना कीमती वक्त डाल के हमारे पास हैं।